ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन एंड ओवरव्यू। ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन से क्या मुराद है फर्स्टली हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि एक तो स्ट्रेटिफिकेशन वो है जो ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन वो कॉमो के दरमियान है और फिर दूसरी बात जिन कैटेगरीज़ की बात होती है जब ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया जाता है तो दैन इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ वेल्थ और पावर्टी देयर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट एंड ऑल द अदर रिलेटेड फैक्टर्स यानी ग्लोबल स्टेटिफिकेसन को अगर हम चार हिस्सों में तकसीम कर लें तो सबसे पहले हमें या क्या चीज़ देखनी है कि कौन सी कॉम जो है वहसीयत कौम हम बात कर रहे हैं कि हम अफराद की या ग्रोहों की बात नहीं कर रहे किमें जो हैं मुल्क के दुनिया के अंदर बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमों का वेल्थ स्टेटस क्या है क्या वो गुर्बत की लाइन के नीचे हैं या उन्होंने अपने आप को इस हद तक डेवलप कर लिया है इस हद तक वो अपने आप को मेचोर कर लिया है उन्होंने मेहनत करके कि वो अब उनके पास इतना पैसा है कि उनके अफराद अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के अहल हो चुके हैं या वो निज़ाम इस काबिल हो गया है कि वो अपने अफराद को इस काबिल कर दे कि उनको सोशल सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी के जो बेसिक जराए हैं जो ज़रूरिया हैं वो अपने लोगों के लिए पूरी कर सके फिर जो दूसरी हमने अहम बात देखी देयर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए पूरी दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि कौमें जो तरक्की करती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स को ऑप्ट करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज दे ट्राई टू ऑप्ट हमने देखा कि दो बड़ी जंगों के बाद जापान जहाँ जिस लेवल तक पहुँच गया फिर हमने देखा कि उन्नीस सौ उनचास में जहाँ से चाइना ने ग्रो करना शुरू किया उन्होंने अपने मुल्कों के लिए बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी प्लान की जिसमें उनका मकसद ये था के उन्होंने जिस हवाले से कम्पीट करना है वो अपने लोगों की डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थ्रू बाय ऑप्टिंग वेरियस इकोनॉमिक टूल्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की इन मुल्कों ने और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी की उनके जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने अपने मुल्कों के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर फार्मूला डिज़ाइन किया और फिर उन्होंने थ्रू एजुकेशन अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया और आज हम देखते हैं कि दुनिया जिस जगह पर खड़ी है जिस दुनिया को हम ग्लोबल विलेज का नाम देते हैं वहाँ वो मुल्क जिनका कभी बहुत बड़ा नाम नहीं था उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करके वो आज बड़े मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं ऐसे ही हम ये देखते हैं कि जो दीगर रिलेटेड फैक्टर्स की लिस्ट अगर हम गिनवाना चाहें तो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नाम आएगा वो टेक्नोलॉजी चाहे जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वो हो या सोशल कैपिटल की ग्रोथ हो उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को विद सम बेसिक फिलॉसफी रिलेट करने का फैक्टर हो अपने लोगों को मुख्तलिफ शोभा जात में इन्वॉल्व करने का फैक्टर हो या हमने अभी रिसेंटली दुनिया के अंदर देखा कि कैसे चाइना ने अपना एक बाकायदा पावर्टी एलिवेशन का मॉडल इख्तियार किया उस पर अमल किया और आज जो सबसे बड़ी उनकी पॉपुलेशन थी उसको उन्होंने सोशल कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया यानी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप आबादी को कैसे इस्तेमाल करते हैं आबादी और ज़राए के दरमियान कैसे हम आंगी पैदा करते हैं इसी तरीके से वो मुल्क जिन्होंने कोऑप नहीं किया जिन्होंने अपनी तालीम को प्रोडक्टिव मीन्स के तौर पर कन्वर्ट नहीं किया जिन्होंने तालीम को मकसद नहीं दिया वो मुल्क जो हैं वो पावर्टी लाइन से पीछे भी हैं और वो मुल्क तरक्की के रास्ते पर अभी तक गामजन जो है वो नहीं हो सके